सबसे ज्यादा आदिवासी हो तो वो इंडिया है, वो भारत है। भारत इसे कहना ये थोड़ा सा मजबूरी का संदर्भ है क्योंकि संविधान में भारत डाला गया है, लेकिन जिन्हें एंथ्रोपोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है, प्री हिस्ट्री को पढ़ा है, ट्राइबल कंटेक्स्ट को, ट्राइबल कल्चर और सिविलाइजेशन को पढ़ा है, उन लोगों को ये बात मालूम है कि भारत से पहले गोंडवाना था, भारत से पहले गोंडवाना था, भारत से पहले गोंडवाना था। और जब हम भारत से पहले गोंडवाना की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण बात है कि जब मानव की उत्क्रांति हुई, इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस, तो 70,000 साल पहले जब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन इंसान को हुआ, तो ये धरती पर आज जितने भी इंसान है वो सबसे पहले कभी ना कभी आदिवासी ही रहे हुए हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ये धरती पर इंसान ये आदिवासी ही रहा है। उसमें से कुछ लोग जो है जंगलों से बाहर चले गए, गांव में चले गए, बाद में शहरों में आ गए, इसलिए वो अपने ट्राइबल कल्चर को, कंटेक्स्ट को भूल गए। लेकिन जो लोग जंगलों में, पहाड़ों में ज्यादा रह गए, उन्होंने अपने ट्राइबल कल्चर को मेंटेन किया। और यदि ट्राइबल कल्चर को बड़े शॉर्ट में, दो ही शब्दों में यदि मैं कहूं तो ट्राइबल कल्चर क्या है, ट्राइबल कल्चर ये बेसिकली प्रकृति और मानवता के आधार पर जीवन जीने का कल्चर है, जीवन जीने की संस्कृति है। इस धरती पर सबसे पहला इंसान जिसने ये समझा कि ये जो धरती है ये सृष्टि के अंदर में एनर्जी से जो है हम लोग चलते हैं, ट्राइबल कंटेक्स्ट में, ट्राइबल लैंग्वेज में वर्ड मिलता है सल्ला घाघरा। सल्ला घाघरा का अर्थ होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। साइंस ने आज बहुत ज्यादा एडवांस जाकर इस बात को प्रूव किया है कि तीन तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। गोंडी भाषा के अंदर सल्ला घाघरा वर्ड जो यूज किया गया उसका मीनिंग